बैंकॉक में हुई एशियन चैंपियनशिप के मुक्केबाजी मुकाबले में 81 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लेकर पहुंची भारतीय मुक्केबाज पूजा बोहरा का रविवार को पैतृक जिले भिवानी में पहुंचने पर खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक बैंकॉक में हुई प्रतियोगिता में वर्ल्ड चैंपियन रही साइना की वांगलीना को हराकर 81 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड हासिल करने वाली पूजा बोहरा पहली मुक्केबाज हैं। अब उनका अगला लक्ष्य 2020 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक में देश के लिए मेडल लाना है। 17 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जो बैंकॉक में एशियन चैंपियनशिप हुई उसमें मैंने गोल्ड मेडल लिया है और इसमें मैंने फाइनल में जो अभी चाइना की करंट वर्ल्ड चैंपियन वांगलीना को मैंने इसमें फाइनल में हराया और मैं बहुत खुश हूँ कि इस वेट कैटेगरी में इंडिया में पहली बार गोल्ड मेडल आया है जो कि मैंने लिया है। देखिए अभी काफ़ी यंग बॉक्सर्स भी काफ़ी आगे आ रहे हैं और हम पुराने बॉक्सर्स ही कहें तो जैसे अभी हमारे साथ एल सरिता देवी भी थी, हालांकि वो गोल्ड मेडल से चूक गई, उनका ब्रॉन्ज मेडल मिला है, लेकिन इतने सीनियर प्लेयर हमारे साथ होते हैं और उनको देख के हम काफ़ी मोटिवेट भी होते हैं। वहीं पूजा बोहरा के कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी संजय श्योराण ने बताया कि 81 किलोग्राम भार वर्ग में एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड हासिल करने वाली पहली मुक्केबाज के रूप में पूजा बोहरा ने जीत दर्ज की है। अब वो ओलंपिक क्वालिफाई मुकाबले के लिए अपना भार कम करने 75 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लेंगी, क्योंकि ओलंपिक महिला मुक्केबाजी में 81 किलोग्राम भार वर्ग को नहीं रखा गया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बॉक्सिंग में महिला मुक्केबाज देश के लिए मेडल लाने का काम करेगी। देखो अभी सबको पता है जो पूजा ने एशियन चैंपियनशिप गोल्ड मेडल लिया है वो भी वर्ल्ड चैंपियन को हराकर, इससे काफ़ी अच्छा हुआ है। पूजा का भी मनोबल बढ़ा है, काफ़ी इंप्रूव हुआ है, क्योंकि मैं तो पहले ही चाहता था ये 75 केजी में खेले, लेकिन चलो 81 में खेला, गोल्ड मेडल लिया, अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूजा 75 में खेलेगी, ओलंपिक क्वालिफाई करेगी, मेडल देगी इंडिया को। वहीं गांव के लोगों के मुताबिक पूजा बोहरा के गोल्ड जीतने पर उन्हें काफी खुशी है और आगे भी सफलता के लिए उन्हें आशीर्वाद लोग दे रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए भिवानी से इंद्रवेश दोहन की रिपोर्ट।